आज हम इस वीडियो में जो है ये बताने वाले हैं कि जो है 12 का जो है एग्जाम का जो है मतलब डेट निकल गया है, और हो सके तो रिटर्न भी जो है कुछ दिन में जो है आ जाएगा। तो 12 का एग्जाम जो है प्रॉब्लली कब होगा, तो वो जो है अप्रैल का फर्स्ट वीक में जो होगा। अब जो हायर सेकेंडरी का एग्जाम यदि 12 का फर्स्ट वीक में होगा तो जो है सेकेंडरी एग्जाम मतलब क्लास 10 का एग्जाम जो है इससे पहले ही होगा। तो 12 का एग्जाम अप्रैल में होगा तो 10 का एग्जाम जो है हो सके तो मार्च का लास्ट वीक में हो या उससे पहले हो जाएगा। तो हम तो पहले बोले थे, तो ये अच्छा बात है कि एग्जाम जो है होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यदि एग्जाम नहीं होगा तो ये बहुत ही प्रॉब्लम कर सकता है हम लोग को। तो एग्जाम होना बहुत ही चांसेस है, और एग्जाम हो और एग्जाम जो है अपना स्कूल में एकदम ना हो, दूसरा का स्कूल में हो, क्योंकि एग्जाम अपना स्कूल में होगा तो एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि हम लोग एग्जाम दिए टाइम में मालूम है कि यदि दूसरा का स्कूल में देता है मतलब दूसरा स्कूल में देता है तब थोड़ा लगता है कि एग्जाम दे रहा है, यदि अपना स्कूल में एग्जाम देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा अच्छा एग्जाम नहीं हो, क्योंकि अपना स्कूल में जो चीटिंग हुआ वो होगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, यदि दूसरा का स्कूल में जो एग्जाम होता है तो वो एग्जाम एकदम अच्छा होगा। तो इसीलिए एग्जाम जो एकदम हो, एग्जाम का तो टाइम मालूम चले गया है, तो एग्जाम जो अप्रैल का फर्स्ट वीक में हो और दूसरा का स्कूल में होगा, दूसरा जगह सेंटर पड़ेगा तो वो बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमको ऐसा लगता है। गवर्नमेंट पहले से क्लैरिटी दे दे कि हाँ एग्जाम होगा पर एकदम 100% होगा, वो अप्रैल का फर्स्ट वीक में होगा, तो ये बहुत अच्छा बात है कि एग्जाम जो, इसीलिए जितना सारे स्टूडेंट है जो लोग नहीं पढ़ रहा है वो जो थोड़ा थोड़ा करके जो है पढ़े। अब उसके क्योंकि यदि नहीं पढ़ेगा तो बाद में जाकर क्या हो सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक, और